Hi students of electronics, this is your mentor Amar. आज हम पढ़ेंगे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल. पी एन सेमी कंडक्टर यानी पी एन डायोड, समटाइम वी कॉल्ड इट पी एन जंक्शन डायोड. और उसके बाद बायसिंग एंड आई वी करेक्टरिस्टिक. IV मेन करंट और वोल्टेज करेक्टरिस्टिक सेमीकंडक्टर के. इस डायग्राम को हम देखते हैं कि ये आपके पास P मटेरियल है और ये आपके पास N मटेरियल है. N मटेरियल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P मटेरियल में आपके पास होल्स होते हैं. पी मटेरियल आपके पास ट्राइवेलेंट एलिमेंट से बनता है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर ये ट्राइवेलेंट एलिमेंट यानी कि आपके पास एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, अगर हम इसको जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर ऐड करें तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल बनता है. और इसी तरह अगर पेंटावेलेंट एलिमेंट है जैसे कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है और फॉस्फोरस है, अगर हम इनको जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर ऐड करें तो हमारे पास एन टाइप मटेरियल बनता है. और पी टाइप मटेरियल्स के अंदर होल्स ज़्यादा तादाद में होते हैं, इस वजह से हम इनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं. और एन टाइप मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में होते हैं, इस वजह से हम इनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप मटेरियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप मटेरियल एंड होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप मटेरियल. जब पी टाइप मटेरियल की फॉर्मेशन होती है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं. और जब एन टाइप मटेरियल की फॉर्मेशन होती है तो इसमें कुछ होल्स भी आ जाते हैं और इन होल्स को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं. तो आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन द होल डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर में चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी मीन इलेक्ट्रॉन इन ए डेंस फॉर्म इन द एन टाइप मटेरियल यानी कि ज्यादा तादाद में होते हैं. एंड इन पी टाइप मटेरियल होल्स आर इन डेंस फॉर्म, यानी पी टाइप मटेरियल के अंदर होल की ज्यादती होती है. आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम है पी एन जंक्शन की, और ये आपको प्लस साइन नजर आ रहे हैं मीन होल्स, और ये आपको माइनस साइन नजर आ रहे हैं मीन इलेक्ट्रॉन. और ये आपके पास पी एन जंक्शन की ब्लॉक डायग्राम है. ये साइड एनोड है मीन प्लस होल साइड, और ये साइड आपके पास कैथोड है यानी कि इलेक्ट्रॉन साइड. व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज सुटेबली जॉइंट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन. जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को हम जॉइन करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये जो दरमियान वाला रीजन होता है इसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं, और इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं, और इस रीजन को हम आगे नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं. ये आपके पास डायोड एक असेंबल फॉर्म के अंदर है. अच्छा, ये आपके पास है पी साइड पी टाइप मटेरियल, और ये एन साइड है मीन एन टाइप मटेरियल. और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास. इट मीन्स दैट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर. और पहले मैंने बताया कि जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो कुछ होल्स भी आ जाते हैं और इन्हीं होल्स को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं. अब इस साइड पे हम देखते हैं कि ये पी टाइप मटेरियल है और इसमें होल जो है वो डेंस फॉर्म में है मीन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है,
और जब इसकी पी टाइप की फॉर्मेशन होती है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इस पी साइड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एन रीजन लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब हम इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, मीन व्हेन पी साइड ऑफ दिस डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड द एन साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, देन दिस डायोड बिकम्स ए फॉरवर्ड बायस और करंट इसमें फ्लो होता है। और बैटरी के साथ जब ये कनेक्ट होते हैं तो होल्स जो हैं कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं कुछ जंप करके इस रीजन में आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके इस रीजन में आएंगे तो ये स्पेस इनकी यहाँ पे खाली हो जाएगी और इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और जितने तक ये बैटरी से कनेक्ट रहता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस रीजन में आता जाता है, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन में होते हैं वो क्रॉस करते हैं पी रीजन की तरफ, तो जिसकी वजह से ये डिप्लेशन रीजन यानी चार्जलेस रीजन मीन फ्री स्पेस जो है वो क्रिएट होती है। अच्छा, ये आपके पास डायोड है, ये आपके पास पी साइड है ये, और ये आपके पास एन साइड है इस तरह। तो पी साइड और एन टाइप फैब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू जब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो उसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं या सेमीकंडक्टर डायोड भी कह सकते हैं। और इस पी साइड के अंदर होल्स की मेजॉरिटी होती है और इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी इस एन साइड के अंदर होती है, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जब पी साइड की तरफ होती है यानी इलेक्ट्रॉन का बहाव या उसका रुझान जब पी साइड की तरफ होता है, और इस पी साइड के अंदर होल्स की टेंडेंसी जब एन साइड की तरफ आती है तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, और इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से ये डिप्लेशन यानी चार्जलेस रीजन क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास आईवी यानी करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पे आपको एक नी वोल्टेज पॉइंट नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब सेमीकंडक्टर डायोड बैटरी से कनेक्ट होता है तो एक वोल्टेज पॉइंट के ऊपर आके इसका करंट एकदम इंक्रीज हो जाता है, और जिस पॉइंट के ऊपर आके यानी जिस वोल्टेज पॉइंट के ऊपर आके इस डायोड का करंट एकदम इंक्रीज हो जाए उस पॉइंट को हम नी वोल्टेज कहते हैं। तो इस डायोड के अंदर एक रिवर्स बायस कंडीशन भी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि पी साइड को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एन साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपके पास फॉरवर्ड बायस होता है, और इसी तरह जब हम पी साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और एन साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास रिवर्स बायसिंग कंडीशन होगी, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो रिवर्स सेचुरेशन करंट होगा, यानी कि पी साइड के अंदर होल्स की मेजॉरिटी होती है लेकिन इनकी फॉर्मेशन के वक्त कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, और एन साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है और फॉर्मेशन के वक्त इसमें कुछ होल्स भी आ जाते हैं। और जब हम इस एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो
करंट फिर भी फ्लो होते हैं, और करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होते हैं, और इसी हम करंट को रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं। तो डिप्लेशन रीजन हम इसमें देखते हैं, जिस तरह हमने पिछले पेज पे देखा कि पी साइड के अंदर और पी साइड और एन साइड के दरमियान एक चार्ज लेस रीजन था, और इसी को हम जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से बनता है, और उसी को हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और नी वोल्टेज हम देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया है कि एक ऐसा वोल्टेज पॉइंट जिसके ऊपर आके करंट एकदम करंट की वैल्यू एकदम इंक्रीज हो जाती है, उस पॉइंट को हम नी वोल्टेज पॉइंट कहते हैं, और वो है 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम डायोड। इसमें है आपके पास द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द पीएन जंक्शन स्टार्ट कंडक्टिंग इज कॉल्ड द कट इन वोल्टेज, और जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए 7 और जर्मेनियम के लिए 0.3, यानी कि सिलिकॉन अगर डायोड है तो 0.7 वोल्टेज जैसे ही इसको मिलेगी तो इसका करंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास सेमी कंडक्टर जर्मेनियम का बना हुआ है तो जैसे ही इसकी 0.3 वोल्टेज होगी तो इसका करंट इंक्रीज हो जाएगा। और डिप्लेशन लेयर आपके पास है, द रीजन इन पी एन जंक्शन विच कंप्राइजेस द इमोबाइल आयन इज कॉल्ड द डिप्लेशन लेयर इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, एंड डिप्लेशन लेयर के लिए भी सिलिकॉन 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट।